वोट डालने वाले दिग्गजों में सुशील कुमार शिंदे, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जो कि शिवगंगा से कैंडिडेट हैं, और एक्टर रजनीकांत और बीजेपी कैंडिडेट तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। तो ये छह तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण, रजनीकांत, तेजस्वी सूर्या और कार्ति चिदम्बरम की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह के पास। आशीष इस वक्त मथुरा में है, मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, दूसरी बार चुनने के लिए वो इस वक्त मथुरा से खड़ी हुई है। आशीष, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन चुनाव में धर्मेंद्र का कितना असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र यहां पर वोट की अपील करने के लिए आए थे कि हेमा मालिनी को वोट डालें, और उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपनी बात कही थी। धर्मेंद्र की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एक जाट बहुल इलाका है और धर्मेंद्र कुछ जाट है। जी बिल्कुल, जहां पर जिस तरह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी ने कैंपेन किया था, वो खेतों में घुसकर उन्होंने फसल काटी थी, ट्रैक्टर चलाया था, ये सब कुछ हमने देखा था, लेकिन उसका कितना असर वोटर्स पर हो रहा है या फिर वो अभी भी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या कैंडिडेट हैं महेश शर्मा या फिर जो एसपी बीएसपी आरएलडी के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ ज्यादा रुझान है, ये जानने के लिए हम वोटर्स लोगों से ही बात करते हैं। ये हम इंटर कॉलेज में है कि यहां पर जिसमें छह पोलिंग स्टेशन हैं और लगातार काफी उत्साह दिख रहा है वोटर्स का। आप ये बताइए कि धर्मेंद्र जी ने और हेमा मालिनी जी ने जिस तरह से कैंपेन किया था, वोटरों पर उनका कोई असर है? हाँ जी, असर है, बहुत ही असर है, बहुत बढ़िया है, उन्होंने प्रचार किया है अपना। ओके, उससे भी बहुत उत्साह है, बस यही कहना चाहता हूँ। आप बताइए कि मुद्दे क्या क्या है मथुरा में, किस किस के आधार पर वोट हो रही है? जी, हेमा मालिनी के आधार पर वोट हो रही है, जी नरेंद्र मोदी के आधार पर वोट, ज्यादातर वोट है नरेंद्र मोदी जी के आधार पर हो रही है। अच्छा, तो राष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रख के वोट हो रहा है, और मथुरा के इश्यूज कुछ नहीं है, केवल लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट है उनके हिसाब से हो रहा है? जी सर, उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। आपके आपसे भी जाना चाहेंगे सर, क्या मथुरा के इश्यूज है, किस हिसाब से वोट हो रहा है? मोदी के हिसाब से हो रहा है, मोदी जी के हिसाब से हो रहा है। ओके, ये कहा जाता है कि काफी जाट बहुल इलाका है, काफी यहाँ पर वोटर्स जाट हैं, धर्मेंद्र जी आए थे प्रचार करने के लिए हेमा मालिनी जी के साथ में, उसका काफी असर हुआ? 70% वोट मोदी जी के लिए है, मोदी जी के लिए। हेमा मालिनी जी के लिए, हेमा मालिनी जी के लिए तो कम है, लेकिन मोदी जी के लिए ज्यादा है। तो दीपक जी, आपने देखा कि वोटिंग के लिए ये एक बहुत ही रोचक एस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, इससे पहले भी मैं फर्स्ट फेज में था सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में कवरेज के लिए, लेकिन वहां पर लोकल इश्यूज काफी डोमिनेटिंग थे। यहां पर मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि लीडरशिप कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके आधार पर वोट किया जा रहा है। अभी तक हमने ऑन कैमरा भी लगभग 6-7 लोगों से बात की, और ऑफ कैमरा में कल शाम से लगातार कम से कम 50-60 लोगों से बात कर चुका हूं अलग अलग जगहों पर। लोकल इश्यूज पर लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हेमा मालिनी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आशीष, की लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। डॉक्टर नवनीत आनंद, अगर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के जहन में है तो आपको क्या लगता है, ये एडवांटेज बीजेपी है? एकदम बिल्कुल, और ये एक नैरेटिव जो चल रहा है और जो फैक्ट है, जो ग्राउंड से फैक्ट्स आ रहे हैं कि इस बार लोगों का जो मैंडेट जा रहा है वो मोदी के लिए। लोकल लेवल पे भी मैं पहले चरण में नोएडा में हमने वोटिंग की, तो उन बहुत लोग ऐसे मिले हमारे जिनको कैंडिडेट का पता भी नहीं था, वो बोल रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री जी को देना है वोट, उनको दोबारा प्रधानमंत्री आना है, आपकी बार फिर मोदी सरकार मुझे देखना है। तो ये मैंडेट क्लियर है। साउथ में थोड़ा देखना होगा, आज का जो महत्वपूर्ण एक अगर मुख्य बिंदु देखें कि साउथ के करीब 52 सीट्स आज हैं तमिलनाडु और कर्नाटका में मिला के, वहां से जो भी रुझान आ रही है, जो मुझे मेरे दोस्त जो उधर रहते हैं वो बता रहे हैं कि साउथ में भी वो एक लहर तो नहीं कहेंगे बट प्रीडोमिनेंट फीलिंग जो चल रही है कि इस बार मोदी जी को वोट देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जब वोटिंग करने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में मोदी का नाम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कमल हसन और श्रुति हसन अपना वोट डालने के लिए चेन्नई के एक बूथ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा वोट डालने पहुंचे, उन्होंने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। ये उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उंगली पर शाही लगी हुई दिखा रहे हैं और उन्होंने वोट डालने के बाद क्या कहा, आइए ये सुन लेते हैं, उसके बाद हमारी बहस पर फिर लौटेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो और एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत भारत के लिए सब लोग इस उत्सव में सहभागी हों। यूपी इस बार देखा जा रहा है, क्या महागठबंधन की हवा है श्रीकांत जी, किस तरह से? देखिए, हवा महागठबंधन की तो खुश हो गई है, क्योंकि वो उनकी जो नेता है मायावती जी वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया और कंफ्यूजन है। ऊपर नेताओं में तो गठबंधन है लेकिन नीचे जो जमीन पर गांठ है तो वो इतनी आसानी से गांठ खुलने वाली नहीं है। दूसरा क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के आमजन के साथ पहले से उनकी जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, वो बहुत मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हम गांव वालों के लिए मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए, घर में गैस का चूल्हा दिया, आयुष्मान भारत के नाते परिवार के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष का लाभ दे रही हमारी सरकार। तो श्रीकांत शर्मा ये बताते हुए कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों के दौरान क्या क्या काम किए हैं, और हमने मथुरा के जब एक वोटर को सुना तो उन्होंने भी बताया कि जब वो वोट करने जा रहे हैं तो उनके ध्यान में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी है। मनीष भाई, इसी के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना पूरा का पूरा कैंपेन प्लान किया था, तो दूसरे चरण के कुछ वोटरों को सुनने के बाद आपको ये लगता है कि उनकी जो कैंपेन थी उसकी थीम को लोगों ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है? लगातार मतदाताओं से हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों और मतदान केंद्रों पर बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है और सुनाई पड़ रही है, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और हम बगैर नाम लिए ये इशारा कर सकते हैं कि चुनावों के पहले राष्ट्रवाद का ये नारा कहां से शुरू हुआ और उसको बीजेपी ने कैसे आगे बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है, संकेत और संदेश दोनों साफ दिखाई देता है। संकेत और संदेश साफ दिखाई देता है, लेकिन क्या कांग्रेस को ये संकेत और संदेश दिखाई दे रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको क्या लगता है, जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज मतदान हो रहा है, वहां पर फतेहपुर सीकरी जहां पर आपके जो राज्य के अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उनके अलावा कहीं टकराव दिखाई नहीं दे रहा, उनके अलावा आपके कैंडिडेट कहीं भी दौड़ में शामिल हो या जीतने की दौड़ में शामिल हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि इस चरण के अंदर तो राहुल गांधी जी ने भी कैंपेन की थी और प्रियंका गांधी जी ने भी कैंपेन की थी। दीपक भाई, संकेत भी दिख रहे हैं, संदेश भी दिख रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम लोग तो फतेहपुर सीकरी तो जीत ही रहे हैं, बाकी कई सीटों पर हम चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, गिना दीजिए कौन कौन सी सीट है। हाँ ठीक, जहां सुरेंद्र भाई, गिना दीजिए कौन कौन सी सीट है। जी मैंने आप ही ने गिना दी, फतेहपुर सीकरी हम चुनाव जीत रहे हैं, अब बाकी जगहों पर लड़ रहे हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। एक बात, अब संकेत और संदेश दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विनम्रता से कि कौन कौन सी सीट है जहां पर आप फाइट में है, 8 में से कौन कौन सी सीट है जहां पर आप फाइट में। मैं बड़ी विनम्रता से जी मैंने आपसे बताया हम सारी सीटों पर फाइट में हैं, सारी सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं विनम्रता से एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, मैं उन 8 सीटों की बात कर रहा हूं, एक सीट का नाम आपने बता दिया फतेहपुर सीकरी, उसके अलावा कौन कौन सी सीटें हैं? जी नहीं नहीं, बाकी भी हम लोग जीत रहे हैं, सारी सीटें जीत रहे हैं, हम लोग 8 की 8 सीटें जीत रहे हैं, क्यों नहीं जीत रहे हैं? लेकिन आप मेरी बात, अरे नाम तो बता दीजिए, वो बात आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको और मनीष भाई को सुन रहा हूं, आपके संकेतों और संदेशों को सुन रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि आज
किस तरीके से कुछ हमारे ख्यातिलब्ध जिनको मैं एक बार सुनकर के बड़ा होता था, पढ़ता था, गर्व होता था, वो किस तरीके से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस बन गए हैं। ना गांव की बात कर रहे हैं, ना घर की बात कर रहे हैं, ना जेट की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 22,000 बेरोजगार आज बेरोजगार हो गए हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। और वो राष्ट्रवाद नहीं है 22,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का। बात आज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उठा के कर रहे हैं, मोदी का प्रचार कर रहे हैं। 8 सीटों के नाम बता दीजिए, मैं 8 सीटों पर आपको विनर डिक्लेयर कर देता हूं। 8 सीट जिन पर पोलिंग हो रही हो उनके नाम बता दीजिए। नहीं नहीं, आपके आपके डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप अमरोहा में ले लीजिए, चाहे आप आगरा में ले लीजिए, चाहे आप फतेहपुर सीकरी में ले लीजिए, जिस जगह भी आप देखेंगे, बुलंदशहर में ले लीजिए। तो अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बीजेपी के लिए कर रहे हैं, अगर अब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? 100% कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम हो गई है। 100% के लिए लगता है आपको, हर पत्रकार बीजेपी का आदमी लगता है। निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से चश्मा हटा लीजिए, आपकी आंख पर लगा हुआ है, जो आपकी आंख पर लगा हुआ है चश्मा हटा लीजिए। पत्रकार के ऊपर मुझे शर्म आ रही है, मुझे 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 शर्म आ रही है आज की। इतने बड़े बड़े भाई को मैं हमेशा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो भाजपा का प्रचार कर रहा है। मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ? अच्छा नहीं लग रहा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपको अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। आपको अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा। हम वही बात कर रहे हैं जो वोटर कह रहा है, हम वही बात कर रहे हैं जो वोटर कह रहा है। अरे, और मनीष भाई ने वही बात की थी जो मथुरा में हमारे सहयोगी आशीष सिंह को एक वोटर ने कहा था। के कार्यकर्ताओं से आप पूछेंगे और मनीष पूछेंगे तो वही जवाब होगा। मुझे मालूम है सर, मुझे आप। अरे वहाँ पर कोई पट्टी लगाकर नहीं आ रहा सुरेंद्र जी, जानता हूँ, वहाँ कोई पट्टी लगाकर नहीं आ रहा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है या वो बीजेपी को वोट देगा। मनीष भाई, मैंने भी पत्रकारिता बहुत देखी और की है और आपने भी बहुत देखी और की है, तो अब इस तरीके की बात न करें तो अच्छा है। थोड़ा सा बैलेंस व्यू रखेंगे सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र भाई भी बना लीजिए। सुरेंद्र भाई, गुलजार कहते हैं दुबा पे जो पाबंदियां लग गई तो वक्त की बात हम न कहेंगे तो वो और कौन होगा? सुबह सुबह क्यों एक फ्रस्ट्रेटेड राजनेता की तरह बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? बढ़िया बढ़िया चाय पीजिए। सुबह सुबह फ्रस्ट्रेटेड राजनेता की तरह क्यों बात कर रहे हैं आप? बढ़िया चाय पीजिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, दिन की शुरुआत अच्छी करिए। मुझे आपसे दुख है, 10 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। आप दुखी होइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप दुखी होइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा कॉन्शियस कहता है पत्रकार के तौर पर। आप कुछ भी आरोप लगाएं, क्योंकि आप आजकल सिर्फ अनर्गल आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं। दीपक चौरसिया का कॉन्शियस बिक गया है। अरे आप बिक गए हो सकते हैं, मैं नहीं बिका हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये बता दूं किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो मुझे खरीद ले, मैं आपको बता सकता हूँ। और आप ये जो अनर्गल बात कर रहे हैं ना, आप जो अनर्गल बात तो कर रहे हैं ना, इसका कोई सिर पैर नहीं है। इसके लिए मुझे दुख है। नहीं नहीं, आपको दुख होगा, आपको दुख होगा। मुझे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है, मुझे आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं वही करूंगा जो मेरा दर्शक चाहेगा। ये खीज और बिलबिलाहट है। दर्शक आपका आज की डेट में नरेंद्र मोदी है। मेरा दर्शक मनीष भाई, बिलबिलाहट तो आपकी है, क्योंकि दर्द हुआ ना, चोट लगी आपको? अरे चोट नहीं लगी, दर्द हुआ इसलिए चोट नहीं लगी। सुरेंद्र जी, बिलबिला आप रहे हैं, भाषा की मर्यादा और लांछन आप लगा रहे हैं। आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है? बिकने का मतलब आप जानते हैं? आप लांछित हो रहे हो, मुझे दुख हो रहा है। इतने बड़े टीवी चैनल को, आपकी चैनल को आपने नमो टीवी बना दिया, इसका मुझे दुख हो रहा है। अरे आप लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है, जिस टीवी चैनल पे बैठेंगे वहाँ के पत्रकार राजपूत जी। एक पुरानी कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, आपको भी हरा ही हरा नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि नमो की जीत की खलबलाहट आपसे अभी से मचल रही है, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं।
जो फर्स्ट एड होकर बोल रहे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप इस तरह के आरोप लगाएंगे पत्रकारों पर? आपके मुंह से आखिरी में सच निकल गया जी, जी आपके मुंह से आखिरी में सच निकल ही गया। मैं सिर्फ दीपक चौरसिया के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, किसी पत्रकार और के ऊपर नहीं, और पत्रकार दीपक चौरसिया के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार दीपक चौरसिया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो आप किस दीपक चौरसिया पर आरोप लगा रहे हैं ये बता दीजिए? बहुत इज्जत की है सर। किस दीपक? बिल्कुल, चूंकि सुबह दुर्भाग्य के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ता जिसमें सुरेंद्र सिंह राजपूत का नाम नंबर वन पर है, जिसमें सुरेंद्र सिंह राजपूत का नाम नंबर वन पर है, अपनी बात कहने की बजाय दूसरों पर लांछन और तोहमत लगाने में अपना बुरा वक्त निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को दर्शक भी देख रहे हैं और समझने वाले समझ रहे हैं। मुझे जी, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटते हैं।